और नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है, तो वहीं देहरादून के मार्गों पर ई रिक्शा चलाने वालों के लिए यह नया साल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आरटीए की बैठक में कई मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के अनुसार मुख्य मार्गों पर चलती ई रिक्शा अपनी धीमी रफ्तार के चलते अक्सर जाम का कारण बनते हैं, जिसके कारण कई मार्गों पर इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ई रिक्शा के बारे में आप सबको बताया है कि संख्या इनकी बढ़ रही है। अभी रजिस्ट्रेशन पे कोई नियंत्रण नहीं है, परमिट से भी इनको छूट दिया गया है और देहरादून में खासकर कुछ मार्गों पे इनको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हाईवे पे मुख्य मार्गों पे चल रहे हैं। तो अब आरटीए ने एक जो बैठक अभी हुई थी उसमें कुछ चीज़ों पर डिस्कस किया है और डिस्कशन में कई मुद्दे आए हैं कि ई रिक्शा में जीपीएस लगाने की बात चल रही है, ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को कैसे रोका जाए इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके शासन में भेजने की बात है, उसके बाद है कि जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ ई रिक्शा नहीं चलेंगे, खासकर जो हाईवे हमारे हैं।